राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता में गीत लांबा ने अपना जलवा दिखाते हुए 3 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। दरअसल रोहतक में 9 से 11 सितंबर को तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बल्लभगढ़ की रहने वाली खिलाड़ी गीत लांबा ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। गीत ने अंडर 14 में जहां 2 गोल्ड जीते, वहीं अंडर 17 ग्रुप में भी गोल्ड पर कब्जा जमाया। घर पहुंचने पर परिजनों ने गीत लांबा का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मेरा नाम गीत लांबा है। गीत जी, कौन से गेम में गई थी आप खेलने के लिए? तलवारबाजी फेंसिंग। तलवारबाजी में कब गई थी? 3 दिन पहले। कौन से मेडल जीता आपने? मैंने गोल्ड जीते हैं 3-3। अच्छा। अंडर 17 में, अंडर 14 में। अच्छा। सारे एज ग्रुप्स में। अच्छा, आगे की क्या उम्मीद है करने की? अब नेशनल है मेरा अगले महीने छत्तीसगढ़, उम्मीद करती हूँ कि गोल्ड ही जीत कर आऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। अच्छा, तो कब गए थे और कौन से थे, किस तारीख को आप आए हो? मैं 9 को गई थी और 12 को वापस आई। पहले कभी खेला है? खेला है मैंने नेशनल 2 बार पहले और खेले हैं। एक बार नासिक में, एक और औरंगाबाद में। तो दोनों बार मैंने एक बार गोल्ड जीता था, एक बार सिल्वर जीता है। और अब की बार जाऊँगी तो उम्मीद है गोल्ड ही जीतूँ। कहाँ कोचिंग करते हो इसकी? किस? मैं बल्लभगढ़ में कुंदन ग्रीन वाली स्कूल में ट्रेनिंग करती हूँ। आपके जीत का किसको श्रेय देना चाहते हो? मेरे कोच को, मेरी सारी फैमिली को, मेरे सारे मोहल्ले को, सबको, मतलब सबने इंस्पायर किया है मेरे को। मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ, मेरी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है। एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 मेडल लेकर आई है। मैं तो उम्मीद कर रहा था 2 मेडल की, पर बेटी ने अंडर 17 में भी जाके गोल्ड मेडल और ले लिया, तो 3 गोल्ड मेडल ले चुकी है बेटी। आगे क्या उम्मीद है? आगे की उम्मीद है, अब नेशनल खेलने की उम्मीद है बेटे की, अगले महीने नेशनल खेलने जाएगी। कब गई थी लड़की खेलने? ये 3 दिन पहले गई थी खेलने के लिए। गीत ने अपने कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों को दिया। अब अगले महीने छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल तलवारबाजी में हिस्सा लेने के लिए गीत लांबा पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले नासिक और औरंगाबाद में नेशनल खेलते हुए वो पहले ही 1 गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।